मेरी 5.4 इंच है, 6 फुट फिट ज्यादा इंग्लिश बन रहा है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो अभी बज रहे हैं रात के 2 और मैं जा रहा हूँ गोवा। मेरा सुबह 5 बजे का फ्लाइट है। सो ऐसे ही जा रहा हूँ घूमने के लिए और वहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड्स आ चुके हैं, संकेत, प्रियंका और गौरव पहुँचने वाला है सुबह, तो मैं भी सुबह पहुँच जाऊँगा। सो ऑलमोस्ट 1 साल बाद जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा डल हूँ अभी क्योंकि मेरे को नींद आ रही है और एनर्जी लो है और बहुत ठंडी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, फटाफट चेक इन वेकिन करता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, सो मैं आ चुका हूँ अंदर। फटाफट मैंने सारा चेक इन कर लिया और मुझे संकेत ने कैमरा लाने बोला था तो मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ। अभी चेक इन करना था तो लेंस, चार्जर, वार्जर सब निकालने बोला उन्होंने, तो थोड़ा टाइम लग गया। फ्लाइट को टाइम है तो मैंने लिया वाटर बॉटल, वड़ा पाव। और आपको एक बात बताऊँ, लूट मची पड़ी है भाई। वड़ा पाव है 60 रुपये का, ये इतनी सी बॉटल है 70 रुपये की, मतलब 130 का बिल फटा है एयरपोर्ट। अगर मैं बाहर खाता 10 का वड़ा पाव, 10 की पानी बॉटल, 20 रुपये में काम हो जाता। बट क्या ही कर सकते हैं, बहुत टाइम है फ्लाइट को, खाना तो था ही मुझे। ओके ओके, ट्वेंटी है मेरा सीट, मेरे को मिडल वाली सीट मिली, ये रही मिली। ए गाइस, तो फाइनली आई रीच्ड गोवा एंड बहुत देर के वेट के बाद मेरा बैग आया। आ ही नहीं रहा था, बहुत देर से खड़ा था यहाँ पे। तो यस, अभी फाइनली बाहर निकलता हूँ टैक्सी पकड़। ए गाइस, तो मैं फाइनली पहुँच गया हूँ गोवा और गौरव को आने में लेट है, तो 2 घंटा लेट है उसकी बस, तो मैं वहाँ पे जाके वेट नहीं कर सकता उसके बस स्टैंड पे। तो मैंने अपनी कैब बुक कर ली और मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ अपने स्टे पे, और संकेत प्रियंका ऑलरेडी है वहाँ पे। और गोवा में ओला उबर नहीं है ना, ओला उबर नहीं है ना गोवा में, बट एयरपोर्ट पे एक अच्छा एप्लीकेशन था जो मुझे मिल गया, फिर मैंने उनसे हेल्प ली, फटाफट कैब बुक की मुझे आगे लेने के लिए। लुक हूज हियर, अंकल आका वाव कर, संकेत गाओ कर। गाड़ी चालनी है तो ये जा रुका था वहाँ से, स्कूटी लेके आया मुझे लेने के लिए, मैं उधर के लेन में खड़ा था। सो अभी हम दूसरा रिसोर्ट है हमारा, वहाँ पे जा रहे हैं जल्दी चेक इन करने के लिए क्योंकि मेरा बैग वगैरह है और गौरव भी आता ही होगा, तो ये लोग जा रुके हैं वहाँ पे, अलाउ नहीं करेंगे ना, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे वाले में पूछने के लिए। हे गाइस, सो फाइनली आई हैव रीच रिसोर्ट। ये हमारा रूम है, बॉयज़ का, गर्ल्स का बाजू में, और उधर भी दिखा देता हूँ, एकदम हाई बजट नहीं है तो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा रूम है। Hey guys! जैसे संकेत गांवकर गौरव के साथ बात चल रही है। गौरव बैठ गया बस में, भागा जाता है क्या, पूछ। इनके इधर भी है अच्छा बालकनी। उए संकेत भाई, ये वाला रूम हम रखते हैं, ये वाला। पूछ क्यों? क्योंकि इधर बालकनी में आते ही स्विमिंग पूल है सर, ये वाला रूम हमारा है। सॉरी शेट्टी, थैंक यू। ये हुई रहा बात, अरुंधति आएगी तब आएगी, तब तक के लिए हम रहेंगे यहाँ पे। गाइस, हमने रूम बुक किया था तो हमने उसमें ब्रेकफास्ट भी ऐड किया था, विच इज फ्री। ये उधर जूस भी है जो खत्म हो गया। हाँ मुझे चाहिए, थैंक यू। देखा, ऐसी होनी चाहिए लड़कियाँ जो ला के दे प्लेट, अब प्लेट दिए तो परोस के भी दे दे। बाकी जो मैंने इतने खुशी में नाश्ता दिखाया था ना, तो क्या हुआ कि उनका कहना है कि 3 नाइट्स आपने बुक किया है, मतलब अभी सुबह चेक इन किया है तो अभी सुबह का ब्रेकफास्ट चार्जेबल है, कल से हमको लागू है फुकट का, मतलब फ्री का। मतलब मैंने प्लेट लिया, उसमें फ्रूट्स थे, मसाला ऑमलेट था, मैंने खाया भी उसमें, इसने खाया, संकेत ने उसके सामने जूस भी पिया, और उसने जैसे बोला ना 300 रुपीज पर पर्सन, मैंने वो प्लेट वैसी रख दी वहाँ पे। मैंने बोला बाहर जाते मैगी खाते, तो अभी अपना भाई फुल जोश में गाड़ी लेके आ रहा है पीछे से, दिख रहा है क्या वो देखो। तो अभी हम जा रहे हैं मैगी खाने, सस्ता सा मैगी। मैं इसको स्लोमो में कट एडिट कर दूंगा। सो वी आर एट मैगी प्लेस नाउ। भाई जाना हिला क्या, पार्किंग करके आ रहा, गाड़ी क्या हिला रहा है। हूज यार, वैसे तू उतरा किससे, गाड़ी तो आगे, तू उतरा किससे भाई, एक्टिंग किसे कहेंगे फिर।
फाइनली आ गया, बहुत दिन से ट्रैवल कर रही है। चल आ जा तेरे लिए अंडा मैगी रखी है, अब तू खा। हे गाइस, तो हमने आए रूम पे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, ब्रश वगैरह किया और अभी हम लोग जा रहे हैं पूल में। अप्रैल पूल में, अप्रैल पूल में गाइस, हुबड़ी हुबड़ी ये जो गाना गा रहा है, हुबड़ी हुबड़ी गाना है, बहुत ही फेमस गाना है, इसके सिटी से है वो। ठीक है, तो चल अभी चल रहे पूल में। हाय गाइस, तो हम लोग अभी आए स्विमिंग पूल में खेलने के लिए। तो पहली बात तो मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, एकदम थोड़ी बहुत, बच्चे वाली। इसको सिखा रहे हम लोग और वो जो ज्यादा प्रोफेशनल है ना, वो 6 फुट पे जा रहा है। अभी क्या कर सकते, मेरी 5.4 ही हाइट है तो मैं वहाँ जा नहीं सकता। तो ये इसको अभी हमने, मैंने थोड़ा बहुत सिखाया है, अभी ये करके दिखाएगा। चलो भाई दिखा, फिर हम आप मैं, अच्छा ये बोल रहा है कि मैं यहाँ रहूँ ताकि मैं इसको बचाऊँ। ठीक है, आ जा, ये ब्लैक लाइन के आगे खड़ा हूँ मैं हूँ, चला जा। हाथ ऐसे रख सीधे और पैर मार। अरे हाँ भाई चले जाएंगे, टेंशन मतलब मैं हूँ, तू डर रहा है? मैं डर रहा हूँ, मैं नहीं डर रहा हूँ, सॉरी मैं डर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू डर रहा है, मैं नहीं डर रहा हूँ। चल ओए उधर भैया, एक मिनट क्या, वापस जा। अब संकेत मुझे बचाएगा और मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, ये 6 फुट है, मेरी 5.4 इंच है। 6 फीट होता है ए, 6 फुट फीट, ज़्यादा इंग्लिश बन रहा है क्या? ओके भाई, रुक रुक, अबे रुक रुक क्या कर रहा है? वेरी गुड भैया, वेरी गुड भैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो 4 फुट तक बस, अब सर लग जाएगा तो थोड़े हो जाओ, मैं खड़े हो जाओ भाई, बता देना कब आना भाई। मैंने अनोइंगली टर्न लिया और जब मेरा हाथ पहुंचा मैं यहाँ पे टच हो गया था। यस यस, मैं भी यही सोच रहा था थोड़ी देर पहले। भाई मुझे एक बात बता, तेरे को सिर्फ यहाँ आती थी, सबको आती थी, मेरी जाती थी। तो हमने दिन में पूल में बहुत खेला, फिर उसके बाद हम कब सो गए हमको पता नहीं चला, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत ज्यादा। तो अभी हम लोग जा रहे बाहर, ज्यादा रेडी हो गए नहीं, मतलब जितना थोड़ा घुमा, जितना ये रेडी हुई है उतना, थोड़ा पीछे जा, हाँ जितना ये रेडी हुई है उतना तो बिल्कुल नहीं, फिर भी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, फिर भी हम लग रहे हैं क्योंकि हम लड़के हैं भाई, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ये भी पसंद है हमको। फोन सेफ रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, और देयर इज अ पासवर्ड। देखिए अभी मैंने ये फोन, चश्मा क्यों पहना है? अभी मैंने ये फोन डाला, अभी इसको कोई भी निकाल सकता है, बट हम पासवर्ड लगाएंगे तो कोई नहीं। कैसे लग रही हो देख, और अभी निकालना है तो ऐसे ही निकलेगा, कॉल आ रहा है अभी, जस्ट सोचो, थिंक अबाउट इट, जस्ट कॉल आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद ऐसे ही नहीं निकलेगा, चेन अपने ओपन किया और आपने निकाल लिया। नो ब्रो, देयर इज अ पासवर्ड। हमको गाड़ी रेंट पे नहीं मिल रही, तो संकेत अभी 2 चक्कर काटने वाला है, और हम लोग आए मोमो खाने के लिए यहाँ पे, बिल्कुल घर के पास में ही है। ये भैया मेरे दोस्त बन गए भैया, अरे हाथ तो मारो, ये लेट्स गो बेबी। और वो भैया भी, बट वो भी काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं। गौरव का वेज मोमो, ये सिर्फ अंडा खाता है।